हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों मैं बहुत दिनों तक यूट्यूब पर वीडियो नहीं दिया था क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था इसीलिए लेकिन मैं आज फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हूँ मेरा बहुत ही अच्छा वीडियो का टॉपिक लेकर जिसका नाम है इज दिस रियल स्टोरी और इस टॉपिक का आज कॉन्टेंट भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप लोग तो जानते ही फोर सेप्टेम्बर पर सोनिल में जे नाम की एक इंडियन सीरीज़ रिलीज़ हो चुका है जो कि इंडिया की फर्स्ट साईफाई वाला वेब सीरीज़ है और जब साईफाई की बात आती है तो सभी लोग पागल हो जा रहे हैं क्योंकि आज तक हम इंडिया पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर ही साईफाई वाला फिल्म देख सु, देख चुके हैं लेकिन बॉलीवुड पर ऐसा साईफाई वाला मूवी नहीं देखा था और और अब बॉलीवुड पर भी साईफाई वाला एक सीरीज़ रिलीज़ हो चुका है जिसका नाम जे एल फिफ्टी और यहाँ पर एक सी बी ऑफिसर है जिसका किरदार निभा रहे हैं अभैद तो फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे जे एल फिफ्टी नाम की साइफाई वेब सीरीज़ के रियल स्टोरी के ऊपर और इस इस सीरीज की कहानी क्या है इसके ऊपर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आप लोग तो जानते होंगे कि टाइम ट्रेबल नाम की इस टेक्निक को यूज़ करके हॉलीवुड में कितने सारे टाइम ट्रेबल वाले फिल्म रिलीज़ हो चुके हैं और सभी फिल्में माइंड ब्लोइंग है और, और नेटफ्लिक्स पर भी टाइम ट्रेबल वाली एक बहुत ही खतरनाक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है डार्क लेकिन जे एल फिफ्टी इन्हों से नहीं मिलते हैं तो चलिए अब हम बात करेंगे जे एल फिफ्टी की असली कहानी के बारे में असल में बात यह है कि 1984 में जे एल फिफ्टी नाम की एक प्लेन कल टेक ऑफ किया था और ये प्लेन जहाँ पर लैंड होने वाला था वहाँ पर कभी लैंड ही नहीं हुआ और ये प्लेन तब से मिसिंग है और इसके पैंतीस साल बाद टू पर नॉर्थ बेंगल के माउंटेंस के बीसों बीस एक प्लेन क्रैश होता है तो आप लोग सोच रहे हैं कि जो प्लेन पैंतीस साल पहले मिसिंग हुआ था वही प्लेन 2019 पर इन माउंटेंस के बीसों बीस क्रैश हुआ है लेकिन ये कैसा हो सकता है तो ये पॉसिबल हो सकता है अगर ये टाइम टेबल है लेकिन दोस्तों रुकिए यहाँ पर आपका मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है अब हम बात करेंगे इस सीरीज के मूल कैरेक्टर सी बी आई ऑफिसर शांतनुर्मे जो कि अपने पास में घटने वाले कुछ इंटरेस्टिंग बातों को ढूंढ रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हुए हैं तभी उनको बुलाया जाता है ए ओ ट्वेंटी सिक्स नाम की एक प्लेन की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वो ए ट्वेंटी सिक्स नाम की इस प्लेन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कूद पड़ते हैं लेकिन तभी उनको यह भी बताया जाता है कि एक प्लेन नॉर्थ बेंगल माउंटेन्स के बीचों बीच पड़ा हुआ है और यही प्लेन ए ओ ट्वेंटी सिक्स है लेकिन जब और वो उसका कलीग उस प्लेन को देखने के लिए जाते हैं तब उनको ये पता चलता है कि ये प्लेन ये क्रैस वाली प्लेन ए ट्वेंटी सिक्स नहीं है ये पैंतीस साल पहले नाइनटीन एट्टी फोर में मिसिंग होने वाली जी एल फिफ्टी है तभी वो बहुत ही सौका जाता है और उस क्रैस होने वाली प्लेन से उनको दो दो सर्वाइविंग मेंबर मिलते हैं और इन मेंबर से उनको बहुत ही सारे मिस्ट्री वाले आन समझ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको ये भी पता चलता है कि इस घटना से ए बी नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी हाथ है बाद में और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद शांतनु क्वांटम फिजिक्स के एक प्रोफेसर से मिलते हैं जिसके पास इन सारे रहस्य का ताला की साबी है और उनके साथ इस प्लेन क्रैश वाली घटना की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और उनकी मदद से शांतनु ये समझता है कि पैंतीस साल पहले लॉस होने वाली वो प्लेन कैसे टू 19 पर पहुँच गए और ये जरा सा टाइम टेबल है अब हम बात करेंगे द रियल स्टोरी बिहाइंड जी एल ऐसे ही एक सेम घटना के बारे में रिपोर्ट किया गया था 1989 में जब 1954 में टेक ऑफ करने वाली एक प्लेन 1989 में मतलब 34 इयर्स ईयर्स के बाद लैंड किया था 1954 में जर्मनी से टेक ऑफ करने वाली इस प्लेन का नाम था सेंटियागो फाइव और ये प्लेन ब्राज़ील पर लैंड करने वाला था लेकिन ये प्लेन कभी लैंड ही नहीं हुआ और ये प्लेन मिसिंग हो गई लेकिन 34 इयर्स ईयर्स के बाद मतलब 1989 में इस प्लेन को पाया गया पीए एयरपोर्ट पर जो कि 34 इयर्स ईयर्स के पहले उसका मतलब 34 इयर्स ईयर्स के पहले इस प्लेन का ओरिजिनल ऑफ लैंडिंग के बाद ये बात पता चला कि ये प्लेन सेंटियागो एयरलाइंस का था और ये कंपनी प्लेन टेक ऑफ करने के दो साल बाद यानी कि 1956 पर बंद हो गया और 1954 पर जितने सारे पैसेंजर्स इस प्लेन से टेक ऑफ किए थे इतने सारे पैसेंजर्स की कंकाल 1989 में उस प्लेन पर पाए गए थे जो कि 34 फोर ईयर्स के बाद 1989 में पी ए एयरपोर्ट पर लैंड किया था और सभी लोगों की कंकाल्स को देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए थे क्योंकि जितने सारे पैसेंजर्स टेकअप किए थे उतने सारे पैसेंजर्स के नंबर से वो सेम टू सेम मैच किया था और ये बात पता चला कि ये कोई फेक घटना नहीं है और ऑफ कोर्स यही पॉसिबल है कि वो प्लेन टाइम टेबल करके थर्टी फोर के बाद 1989 में पहुंच गए थे और जेल 50 का कहानी भी इस ऐसा की कहानी से इंस्पायर होकर बनाया गया है